गुड मॉर्निंग, हैव योर सीट प्लीज। Welcome. So good morning friends. Welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career for High Court Peon interview. I hope students, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीएन जॉब के लिए जा रहे हैं और हाई कोर्ट में पीएन की जॉब ऑलरेडी निकल रही है और यहाँ पर जो भी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट देने के लिए हम ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। ये एक मॉक सेशन है दोस्तों, और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस इंटरव्यू गाइड से आप बहुत से वीडियोस हमसे ले सकते हैं। हमारे दोनों चैनल पर आपको इंटरव्यू के वीडियो, बॉडी लैंग्वेज के वीडियो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियो, स्पोकन इंग्लिश के वीडियो मिलेंगे जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ काजोल आपको। गुड मॉर्निंग सर। काजोल यहाँ पर मेरे साथ रोहित है, रोहित बिहार से है और ये भी हमारे पास इंटरव्यू पर्पज के लिए ही है, तो इस मॉक सेशन के अंदर मुझे उम्मीद है ये भी इसका बेनिफिट लेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुआ था? सर 31st अक्टूबर 1966। ओके, कितने जजेस थे उस टाइम? सर उस टाइम 4 जजेस थे। और अब इन दिनों लगभग कितने जजेस चल रहे हैं? 45 सर अप्रोक्सीमेटली। यस सर। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम हमारे इंटरव्यू की। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका नाम, आपने बताया काजोल है, तो उसका मीनिंग क्या बनता है? सर नॉर्मल है काजल, काजल आपके सामने है कि सुरमा जो आंखों में डालते हैं जो कि हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है, सुंदर भी लगती है, हेल्पफुल है, और वैसे ही मैं अपने नाम की तरह सिमिलर हूं कि मैं सबकी हेल्प करना पसंद करती हूं। वेरी नाइस, तो आप एक हेल्पफुल गर्ल है, ये तो बहुत अच्छा है। आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैं बीए ग्रेजुएट हूं सर। आप बीए ग्रेजुएट हैं? यस। ओके, तो आपको नहीं लगता आप ओवर क्वालिफाइड है, आप ज्यादा पढ़े हुए इस जॉब के लिए? नो सर, ज्यादा तो मेरे लिए हेल्पफुल ही है, हेल्प ही होगी इसमें मेरी। ओके, आपको लगता है कि आपका नॉलेज इस पीएन जॉब में बेनिफिट देगा? यस सर। क्या आप जानते हैं पीएन का काम क्या होता है हाई कोर्ट में? यस सर। बताइए सर, जजेस और ऑफिसर जो होते हैं अगर बेल करते हैं तो उनके सबसे पहले उनकी बेल सुनना कि हाँ वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं, अगर कोई चेयर वगैरह है तो उन्हें सेट करना और उन्हें वाटर या टी प्रोवाइड करवाना, बिल्कुल, फाइल और डॉक्यूमेंट्स को सेट करके रखना और जजेस और ऑफिसर के ब्रीफ केस और फाइल्स को संभालना, कैरी करना। ये एक पर्टिकुलर प्रोफाइल आप अच्छे से जानते हैं। यस सर। चलिए आपको एक्सपीरियंस है काजोल? यस सर। सर मैंने इंस्टीट्यूट स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जॉब करी है। ओके, इसका मतलब आपकी इंग्लिश भी कुछ ठीक है? यस सर। चलिए फिर हम इंटरव्यू के दौरान चेक भी करेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसी है। ओके सर। तो मुझे बताइए कि ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है? TUITION। और कर्नल की? COLONEL। ओके, ब्यूटीफुल का मीनिंग मालूम है आपको? यस सर, सुंदर। ओके, और पंक्चुअल का? पंक्चुअल जैसे अपने टाइम के प्रति पाबंद होना। ओके, और ऑनेस्ट का? ईमानदार। और तीन मेरे छोटे बहन भाई हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है लाइफ का? सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही है कि मैं इस जॉब को प्राप्त करूं और लॉन्ग टर्म गोल यही है कि इस जॉब को अच्छे से करके आगे प्रमोशन पाऊं। ओके। यस सर। काजोल, व्हाई डू यू चूज दिस पर्टिकुलर जॉब, आपने यही जॉब क्यों चुनी? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यह है गवर्नमेंट जॉब है और जो मुझे मिल रही है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और गवर्नमेंट से जुड़ना एक बहुत अच्छी बात है इस संस्था से कि हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और सर हाई कोर्ट के साथ काम करना यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो मेरे को प्रमोशन जरूर मिलेगा। ओके। यस सर। चलिए आपने बताया कि पर्टिकुलर पीओन के वर्क के अंदर आपको चाय पानी भी पकड़ाना होता है, बनानी भी पड़ती है चाय, तो आप बता सकते हैं कि टी बनती कैसे है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पीओन इंटरव्यू में पूछा गया है और हाई कोर्ट के इंटरव्यू में पूछा गया है। बताइए सबसे पहले आप बताएंगे कि कितने कप चाय बनानी है? मान लीजिए, देखिए हाँ, तीन लोगों के लिए मान लीजिए, दो आप हमारे लिए और एक हमारे मेंबर के लिए। ओके सर, सबसे पहले सर हम 1.5 कप पानी मतलब 1.5 गिलास पानी लेंगे। ओके, फिर उन्हें बॉईल करेंगे। सर आप अदरक वाली चाय पीना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल चलेगी। तो ओके, उसके अंदर अदरक को डालेंगे, फिर उसे बॉईल करेंगे। ओके, फिर उसके अंदर चीनी और चाय पत्ती डालेंगे, फिर उसे बॉईल कर लेंगे, फिर उसके अंदर हम दूध डाल देंगे, एक कप दूध डाल देंगे, फिर उसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे, फिर आपकी चाय तैयार है सर। ओके वेरी गुड। चलिए मान लीजिए इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर वैसे तो मुझे पूरा पता है कि मैंने अच्छी प्रैक्टिस करी है अपनी और सिलेक्शन होना चाहिए मेरा। okay. पर लेकिन अगर सर अगर मैं सिलेक्शन नहीं होता, उन गलतियों का एटलीस्ट मुझे पता चलेगा और मैं उन गलतियों पे वर्क करूंगी और आगे और अच्छी तैयारी करके नेक्स्ट टाइम मैं जरूर सिलेक्ट हो जाऊंगी और मैं ट्राई अगेन पे विश्वास करती हूँ। ओके okay.
चलिए आप ओवर टाइम कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके, आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर वैसे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अकेले काम भी कर सकती हूँ, और मेरा मानना है कि टीम में वर्क करना ज़्यादा मतलब बढ़िया होता है। ओके, मींस वी अचीव मोर व्हेन वी वर्क इन टीम। चलिए मैं नेक्स्ट चांस रोहित को देता हूँ, रोहित आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेगा। रोहित, हैव योर क्वेश्चंस प्लीज। मैम, व्हाट आर योर हॉबी? सर मेरी हॉबीज़ यही है कि मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, और मुझे खेलना बहुत पसंद है। और कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं आप? सर हैंडबॉल। हैंडबॉल? यस सर। ओके, तो आप हैंडबॉल में कहाँ तक खेले? सर नेशनल। नेशनल खेले? यस सर। तो नेशनल आप कहाँ खेलने गए थे? सर मध्य प्रदेश। कितने प्लेयर्स होते हैं हैंडबॉल में? सर 16। ओके, आपको चांस मिला था खेलने का? यस सर, अंडर 7, अंडर में तो 7 खेलते हैं, वैसे एक्स्ट्रा प्लेयर को मिला के 16 प्लेयर्स होते हैं। ओके, यस सर। तो आपको लगता है कि ये जो गेम था ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग रहा था? यस सर। काजोल, क्या आपको कंप्यूटर आता है? यस सर। कंप्यूटर में क्या क्या आता है आपको? एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट टाइपिंग। ओके ओके, हमें सिर्फ प्रिंट्स निकलवाने हैं। नो प्रॉब्लम सर, ये भी हो जाएगा। ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि कल अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो क्या आप ये जॉब छोड़ देंगे? नो सर, मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर काफी खर्चा किया है। राइट, तो मेरे लिए वो राइट चॉइस ही चुनेंगे। ओके, आजकल तो वैसे भी वर्किंग वुमन की काफी डिमांड है। राइट, तो मुझे लगता है कि ये जॉब मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, यस सर। तो ऐसा नहीं होगा कि आप ये जॉब छोड़ देंगे? नो सर। चलिए मुझे बता सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट है कहाँ? यस सर, शेरशाह रोड, न्यू दिल्ली। ओके, अच्छा फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? लीला सेठ। ओके, काजोल, व्हिच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, और ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। ओके, और स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया में? सिक्किम हाई कोर्ट। ओके, क्या पियोन्स ड्राइवर बन सकते हैं आपके हिसाब से? यस सर, बन सकते हैं, बस उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। ओके, यू मीन ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो ड्राइविंग की पोस्ट पर आ सकते हैं हाई कोर्ट में? यस सर। ओके, क्या आप प्रूव कर सकते हो कि आप एक कॉम्पिटेंट गर्ल हो? यस सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल हूँ, और ये प्रूव करता है क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ और इंटरव्यू दे रही हूँ। Okay. तो काफी मेहनत करी है मैंने, तो okay. यहाँ तक आई हूँ। ओके, वेरी गुड। काजोल, व्हाट इज योर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ लाइफ? सर सबसे पहले तो मैं ये जॉब प्राप्त करना चाहूंगी। ओके, और फिर मैं इसे ईमानदार होके और समय पर पाबंद होके इस जॉब को अच्छे से करूंगी, अपनी मतलब मेहनत से करूंगी। बिल्कुल, और फिर आने वाले 5 सालों में मैं प्रमोशन पाके खुद को अच्छी पोस्ट पे देखना चाहूंगी। वेरी गुड। यस सर। अच्छा, 10th में आपके परसेंटेज कितने थे? 60। 60 फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन, वेरी गुड। और ग्रेजुएशन में? 65 सर। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? जियो। जियो आपका फेवरेट है? यस सर। दैट्स ग्रेट। व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि मुझे ये अवसर मिला, और मैं पंचुअल हूँ, ईमानदार हूँ, सब मैं अच्छा कार्य करके आपके सिलेक्शन की कसौटी पे खरा उतरूंगी। मुझे वास्तव में एक चांस चाहिए ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकूँ। ओके, वेरी गुड। काजोल, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते हैं? सर मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि मैं एडजस्टेबल नेचर की हूँ। ओके, मेरा नेचर बहुत अच्छा लगता है उन्हें। Right. कि मैं बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेती हूँ। That's great. Yes sir. ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी है आप में। Yes sir. अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? Yes sir. कौन? मनीषा। वो आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है? What is the reason? सर वो हर एक काम में मेरी हेल्प करती है। Okay. और मुझे काफी मोटिवेट करती है हर एक काम के लिए। राइट। Yes, इस जॉब के लिए उन्होंने आपको सपोर्ट दिया? यस सर। क्या पढ़ाया आपको, कैसे हेल्प करी आपकी? सर उन्होंने मुझे मतलब क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करी। okay. जैसे मतलब अगर हमें स्टडी करनी पड़ती है तो स्टडी में भी हेल्प करी। ओके, मींस शी इज वेरी हेल्पफुल गर्ल। यस सर, दैट्स ग्रेट, रियली प्राउड ऑफ यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? यस सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि वैसे तो मैं अच्छे से पढ़ के आई हूँ, तैयारी करके आई हूँ पीएन के बारे में, और आप थोड़ा हमें हेल्प कर सकते हैं कि और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर आप पीएन जॉब के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपको हिंदी आती है या कोई लोकल लैंग्वेज आती है तो वर्ल्ड की सेकंड लैंग्वेज आपको थोड़ी जरूर आनी चाहिए। मैं नहीं कहूँगा आपको कंप्लीट इंग्लिश आनी चाहिए, पर थोड़ा अगर आप इंग्लिश, जिस तरीके से मैंने आपसे स्पेलिंग्स पूछी तो ये बड़ा कॉमन है, और पहले के इंटरव्यूज़ में जो पिछले बार जो इंटरव्यूज हुए हैं उसमें ये बातें हुई है, और जो मैंने आपसे स्पेलिंग पूछी थी, मैंने आपसे ब्यूटीफुल का मीनिंग पूछा, ये सब काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी पीछे पूछे गए हैं, तो वो चेक करते हैं कि आपका इंग्लिश पे कमांड कैसा है। तो सबसे पहले तो मैं इसी को इंपॉर्टेंस दूंगा, सेकंड मैं आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन के लिए कहूंगा, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, हर व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करता है। अभी भी आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, मगर कुछ हद तक कॉन्फिडेंस अच्छा था। आपने पहली बार इंटरव्यू दिया है तो ये मॉक सेशन मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट देगा।
और इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पे अच्छे से वर्क करते हैं, मीन्स हमें कैसे आना है, कैसे बैठना है, अगर हम ये चीज़ें सीख लेते हैं तो डेफिनेटली हम इजीली इंटरव्यू दे सकते हैं. ओके, रियली प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है. कीप इट अप. ब्लेसिंग्स टू यू. ओके, थैंक यू सो मच.